भाई। नमस्कार यूट्यूब चैनल, सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। अब हम निकले हैं क्रीक की तरफ और ये सोनापुर में हूँ और शायद ना पहुँच पाए क्योंकि मौसम भी ऐसा है और ये दुबई का मौसम ऐसा है, गर्मी और कभी भी हिम्मत हो सकती है। सो ये फर्स्ट ब्लॉग है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है बंदा। साथ में मेरे उस्मान उसामा है, सॉरी उस्मान बोल दिया। ये माहौल है तो यहाँ पे हम बस की वेट कर रहे हैं और क्या आप देख सकते हैं ऐसा माहौल है। मेट्रो में आ चुके हैं और अब ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं। Doors will open on right-hand side. बोतलें पानी के लिए और एक डब्बी सिगरेट की जो कि मैं पीता नहीं, मेरा दोस्त पीता है। मेरा दोस्त है मेरे साथ, देख सकते हैं, जिसने सिगरेट की डब्बी ली है और अब हम एल्विलेटर जा रहे हैं। बस ये खाली है, हम ही बचे हैं, बस एग्जिट हो रहे हैं, फिर मिलते हैं। देख सकते हैं ये कैसा है, ये लास्ट स्टेशन क्रीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो देख सकते हैं लास्ट स्टेशन क्रीक कैसा दिखता है। खाली है बिल्कुल, कोई नहीं है यहाँ पे, बाकी देखते हैं आगे क्या है। अल जदाफ मेरी स्टेशन 200 मीटर मेरी। मरीन में हम सफर हो गए हैं और ये मेरा दोस्त है और हम अभी चलने की तैयारी में दूर है। लगा तो है, आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखो माहौल, ये नज़ारा देख के तो ये देख सकते हैं मैं हूँ, ये कॉलेज स्टूडेंट है, ये जो मरीन, ये हम लोग आए थे कौन सी जगह, ये मेरे दोस्त
सामने ओ यार इन बंद कर दुबई व्यू बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे मिले। सामने मेरा दोस्त आ रहा है ये पैदल चल के, तो दोस्त व्यू बहुत अच्छा है, करीब सबको आना चाहिए, यहाँ विज़िट करना चाहिए जब दुबई में आए हों टूरिस्ट, कोई रहता हो फिर भी। देखिए मेरे पीछे का व्यू कितना अच्छा है, वाह, बड़ी बड़ी इमारतें के साथ ये क्रीक जो ग्रीन लाइन में बहती हुई, अच्छा है। स्टेशन है जहाँ पे आपने मरीन लेनी है, यार्ड मरीन। सो अभी हम वापस जा रहे हैं बाय मेट्रो स्टेशन अल जताफ, जो कि 200 मीटर की दूरी पे है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। दुबई